एमसीसी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ हिंदुस्तान स्पोर्ट्स लिमिटेड के बारे में जो 650 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया गिरा हुआ था आज देखने को मिला है। 5% का आपको आपका गिरा हुआ देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में। न्यू 52 वीक हाई जो है वो पास में बनाया हुआ था। आप देख सकते हो कि कहाँ इसका सपोर्ट है और कहाँ 74% का रिटर्न दे चुका है 1 ईयर में, और अभी भी आपका हाई रैंक में है। थोड़ा सपोर्ट के लिए ये स्टॉक जो है 650 का जो प्राइस है ये नेक्स्ट सपोर्ट है दोस्तों, तो ये अपना सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता यहाँ से ज़्यादा गिरावट आ सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में अभी डिमांड है और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो फिर से हायर हाई बटन में 700 का लेवल आपको देख सकते हो शॉर्ट टर्म में। बाकी मेरे ख्याल से अगर ये 650 का लेवल तोड़े तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट आएगा 600 के आसपास, एक मतलब जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है 600 का नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्टॉक भाग चुका था। तो नेक्स्ट सपोर्ट अगर 650 का टारगेट है, सपोर्ट तोड़ता है तो 600 का नेक्स्ट सपोर्ट है दोस्तों। तो घबराने का कुछ नहीं है, अगर जो लोग ऊपर लेके फंस चुके हो तो उसके लिए यही रहेगा कि 650 से अगर ये स्टॉक फिर से भागना शुरू करते तो 700 का लेवल आप देख सकते हो, और अगर 700 का लेवल नहीं देख पा रहे हो तो फिर ये स्टॉक से आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, क्योंकि और थोड़ा जो ऊपर बाई किए हो तो वो लॉस बुक करके निकल सकते हो, क्योंकि 650 का टारगेट अगर सपोर्ट अगर टूटा तो 600 रुपये पे आके ये स्टॉक बंद होगा। फिर नेक्स्ट हम एनालिसिस करेंगे कि 600 का 600 से रिटर्न जाएगा कि नहीं, क्योंकि आपको देख सकते हो कि एकदम 90 डिग्री के आसपास बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट देकर बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ भाग चुका है। तो थोड़ा सा करेक्शन आना लाजमी है, नॉर्मल है थोड़ा सा करेक्शन आना, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप कल के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हो, क्योंकि 5% गिरा हुआ तो एक अच्छे स्टॉक में हो जाना भी बहुत बड़ी बात होता है। थोड़ा सा कंसोलिडेट, थोड़ा सा आरएसआई को एडजस्ट कर रहा है, थोड़ा सा एमएफआई और आरएसआई को एडजस्ट कर रहा है, बाकी रेवेन्यू कलेक्शन और स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट अच्छा है और एनपी अच्छा है और अच्छा खासा 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, और बाकी सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। रिटर्न टू अर्निंग रेशियो में भी सही है, म्यूचुअल फंड भी आपका अच्छा खासा होल्डिंग रखा हुआ है, तो कोई प्रमोटर प्लेजिंग जीरो है। 200 डेज ईएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जस्ट आप देख सकते हो कि हाई एमएफआई है, बहुत ज़्यादा मनी फ्लो इंडेक्स है, इसलिए थोड़ा सा करेक्ट और हो सकता है। हो सकता है कि 600 तक आने के बाद फिर से एक अप मूव दिखाए, क्योंकि आपका एमएससीडी जो है 47 में पहुंच गया है, तो 31% 1 मंथ में रिटर्न दिया है और 3 मंथ में 45% का रिटर्न दिया है और 6 मंथ में 75 और 1 ईयर में 83% रिटर्न बना के दिया है स्टॉक ने। तो देख सकते हो कि अपना बहुत सारा आपका DII FII सब बाई करके रखा है, तो घबराने का कुछ नहीं है दोस्तों। जस्ट आप इस स्टॉक में बने रहो जैसे हो, और जो लोग ऊपर लेके फंस गए हो तो अब अगर 650 का लेवल टूटता है तो फिर आप निकल सकते हो लॉस बुक करके, और अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ये स्टॉक फिर से अप मूव होगा, क्योंकि हायर हाई पैटर्न बना रहा है। अभी जिस हिसाब से आज नीचे आया है तो थोड़ा सा करेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि अपना एमएफआई को थोड़ा करेक्ट करेगा, और अगर मौका मिल रहा है शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो आप निकल जाने सही रहेगा। दूसरे स्टॉक में जैसे रेलवे का जो IRCTC बाई कर सकते हो, या तो फिर जितने भी शुगर सेक्टर का स्टॉक है तो मेटल में बाई कर सकते हो, या तो ऑटोमोबाइल सेक्टर टाटा मोटर्स में मारुति में बाई कर सकते हो, नहीं तो बैटरी ऑपरेटेड बैटरी सीट और टायर इंडस्ट्री में भी बाई कर सकते हो। तो ये सब जगह पे आपका पोजीशन बन सकता है शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो इसमें बने रह सकते हो। 77% लोग अभी भी बाइंग रेट दे रहे हैं, लेकिन मैं अभी बाइंग के लिए नहीं बोलूँगा दोस्तों। पहले ये आपका एक सपोर्ट लेने दो, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दो, फिर जब मूव होगा तब एक बाइंग आप एंट्री ले सकते हो। अभी मैं करंट मार्केट प्राइस में सिर्फ इसका सपोर्ट ढूंढने के लिए कोशिश करूँगा, और सपोर्ट जो 650 अपना सपोर्ट पे ही खड़ा है, और अगर 650 के सपोर्ट को आपका रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो 600 इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। इससे पहले कोई सपोर्ट होगा नहीं दोस्तों, फिर से 5% का ही गिरावट दिखने को मिलेगा अगर गिरेगा तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है वैसे उतना वॉल्यूम के साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, क्योंकि ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग भी आता है। एक महीने में अगर एक स्टॉक ने 60% रिटर्न दिया है तो प्रॉफिट बुकिंग 10% तो होगा ही दोस्तों, ये तो नॉर्मल है। तो घबराने का कुछ नहीं है, यही है। अगर वेरी शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड है तो आप अगर ऊपर लेवल पर लेके फंस गए हो तो मेरे ख्याल से होल्ड करने का सलाह रहेगा, और अगर 650 का लेवल को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं ले रहा है, स्टॉक फिर से गिरावट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से निकल जाना ही सही रहेगा अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो।
और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का है तो आप बने रह सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से इस स्टॉक से निकल जाना ही अभी सही है, क्योंकि स्टॉक अभी 5% 5% करके अगर गिर रहा है, अगर भाग चुका है 70% के आसपास आपका FMCG सेक्टर से भाग चुका है, तो अब थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आएगा, 500 550 के लेवल आपको दिखा सकता है, क्योंकि वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है स्टॉक का। बाकी तो ये स्टॉक बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दे के ऊपर गया है, और अगर कल के दिन ग्रीन में खुलता है और थोड़ा सा 2% ऊपर जाता है तो फिर से एक रैली आ सकता है। 650 को मतलब सपोर्ट स्टॉक ने ले लिया, तो यही है हिंदुस्तान स्पोर्ट्स की तरफ से। बाकी आपका खराबी उतना नहीं है, देख सकते हो कि अच्छा खासा हायर हाई बना के बटन बना के, तो 700 का लेवल रहेगा आपका टारगेट रहेगा। अगर 650 का सपोर्ट को इसने रेस्पेक्ट किया तो 700 का लेवल शॉर्ट टर्म में दिसंबर लास्ट तक 700 को दिखा देगा, और अगर 700 नहीं दिखा, 650 का लेवल को इसने रेस्पेक्ट नहीं किया तो लास्ट 600 पे आके एक सपोर्ट बन सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।